अशोक, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आरएस 2018 में आपने 61 रैंक प्राप्त कर लिया है। कौन सी सर्विस मिलने की संभावना है अशोक आपको? सर, सबसे पहले धन्यवाद आपको के लिए और मुझे आरपीएस डीएसपी सर्विस अलॉट होने की अच्छा चांसेस अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपको इस प्रोग्राम में आपको स्वागत है। इस प्रोग्राम का मकसद जो आरएस टॉपर स्टॉक, जो सक्सेस स्पीक्स के नाम पर भी जाना जाता है, इसका पर्पस है कि आप अपने सक्सेस जर्नी को आने वाले एस्पायरेंट्स के साथ में ईमानदारी से शेयर करें ताकि आपसे फायदा उठाए। ठीक है अशोक, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, फैमिली में कौन लोग हैं? सर। मेरा नाम अशोक है। मैंने आरएस 2018 में रैंक 61 हासिल की है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर से रिटायर हैं और फैमिली में भैया हैं जो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं गवर्नमेंट स्कूल में और सिस्टर हैं सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की आपने फिर? सर मेरी एजुकेशन जयपुर से ही हुई है, स्कूलिंग जयपुर से हुई है और कॉलेज भी जयपुर से ही हुआ है सर। चार जो किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की आपने? राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं आप? सर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। वहाँ पर मैंने मैकेनिकल में बीटेक किया है। अच्छा, ये बताइए अशोक कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको जो है आरएस में जाना है या राजस्थान सिविल सर्विसेज में काम करना है, कब और कैसे आया है? सर स्टार्टिंग से ही मेरा ये था कि मैं जो भी समाज के वंचित वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं सर, उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने की मेरी ये प्रयास रहता था सर। तो मैं जब कॉलेज में था तो वहाँ भी मैंने देखा कि लोग आरएएस की या आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा कॉलेज के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिली, दिल्ली को यूपीएससी के लिए और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए हब माना जाता है सर। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, उनमें से जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने क्वालिफाई किया यूपीएससी को भी और आरपीएससी को भी, आरएएस को भी। सर वहाँ से मुझे ये जर्नी जर्नी में मैं आगे बढ़ा और आरएएस में ये था सर क्योंकि इस पद पर रहते हुए हम जो राजस्थान गवर्नमेंट है या भारत सरकार है उसकी योजनाएं और उसके जो कार्यक्रम है उनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए समाज के वंचित वर्ग हैं उनको सर लाभ पहुंचा सकते हैं और इससे पद के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, तो इसलिए मैंने हाँ, ज्वाइन किया वेरी सर। गुड अशोक। आप ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहता है जो कि काफी लंबा समय लगता है। आपने एग्जाम सर 2018 में दिए, हम 21 में बात कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी यस पहले सर शुरू हो गई, दो अटेम्प्ट भी लिए आपने। तो यदि मैं आपसे सर पूछूं कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड सच ए लॉन्ग टाइम, तो क्या कहेंगे आप? सर मोटिवेशन के लिए सर यही था कि हमें कुछ करना है सोसाइटी के लिए क्योंकि सोसाइटी ने हमें जो भी दिया है उसे वापस से कुछ ना कुछ देना होगा और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी हम काम करें, बस यही एक मोटिवेशन था। और सबसे बड़ी बात कि मम्मी की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कुछ बने, कुछ बड़ी पोस्ट पर जाए, उसे मैंने पूरा किया सर। इस बीच में आपके विश्वास में काफी उतार चढ़ाव आया होगा, होगा नहीं होगा, तो यस सर। इसको कैसे संभाला आपने, इसको आपको कैसे आगे रखे? सर बस यही मोटिवेशन था कि नहीं मैं निकाल सकता हूँ, एक बिलीफ था क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा रहा, मेरा जो 10th था 12th था उसमें अच्छी परसेंट थी और जो बीटेक था सर उसमें भी ऑनर्स था, टीसीएस कंपनी से रिजाइन किया था, तो सर यही एक मोटिवेशन था कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। आपने चूंकि जॉब भी कर रहे थे आप यस अशोक, सर। और आपने पहले, तो आपने अपनी टाइम को कैसे मैनेज किया, कितने समय निकालते थे, कैसे पढ़ते थे, आप जो लोगों से शेयर करना चाहेंगे बताइए। सर मैंने टीसीएस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बट मैं टाइम फुली अपना फोकस पे प्रिपरेशन में नहीं दे पाता था क्योंकि साथ में 9 आवर की वर्किंग था और उसके बाद स्टडी, इसलिए मैंने उसको फाइनली 2015 में रिजाइन किया और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी स्टार्ट की और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट लिया मैंने 2016 में, लेकिन सर उसमें मेरा मेंस में स्कोर कम रहा और इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैंने उसके बाद जो भी लूप होल्स थे, वीकनेस थी उसको दूर किया और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था 2018 उसमें मैंने सर मॉक टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और उसे चेक कराया
ताकि मेरे मार्क्स उसमें अच्छे से आ सकें। तो मैंने मेंस में 407 स्कोर किया सर, और इंटरव्यू में भी, यस सर, इंटरव्यू में मैंने मॉक इंटरव्यू किया और उससे मैं फाइनली, इंटरव्यू में कितने नंबर आया उसको आपको? सर इंटरव्यू में 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, 70% आपने लिया। अब आप ये बताइए कि ऐसी ये पूरी प्रोसेस में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना? यस सर। तो इसके इसको कैसे फिल्टर किया आपने, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में भटके होते हैं, तो आपने कैसे फिल्टर किया ये जरा बताइए। सर ये सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी प्रिपरेशन में, कि क्या छोड़ें और क्या सेलेक्ट करें और उसे कैसे रिवाइज करें। तो सबसे पहले है कि अपने रिसोर्सेज को सीमित कर लें, उसमें कुछ जो बुक्स हैं वो फाउंडेशन है उसे आप लेकर चलें साथ में, और साथ में अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। साथ ही में जो टेस्ट सीरीज देते हैं सर, टेस्ट सीरीज को देने के साथ साथ सिर्फ उसे दे नहीं, देने के बाद उसे देखें कि कहाँ पर हमें हमारी कमी रह गई है, उस कमी को दूर करें और उसे रिवाइज करें टेस्ट सीरीज को। तो जितना रिवाइज करेंगे मेंस में जितना स्कोर ज़्यादा होगा सर, सक्सेस के चांस उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने आपके ब्याह पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़िए और उसको अपने सामने रखिए ताकि आप भटके नहीं और आप कई किताबों को ख़त्म करने के होड़ में ना लग जाएं। यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस थॉरली, जितना भी फंडामेंटल बेसिक बुक्स के साथ हो सकता है। दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन साथ रखिए ताकि आपको गाइडलाइन मिले कि वे किस डायरेक्शन में करना है। और तीसरी, पढ़ने के साथ साथ अपना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट भी करते रहें तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने नोट्स किस तरह से बनाते थे अशोक? नोट्स मेकिंग इज आल्सो एन आर्ट। यस सर, नोट्स सर जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी उसको एक अलग से कॉपी बना लिया होता था, कॉपी में अलग से मेंशन कर लिया, और पॉलिटी के नोट्स हैं, इकोनॉमी के और हिस्ट्री के, तो जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें से जो भी उसके क्रक्स है सर उसे 50 वर्ड में कंसोलिडेट करने की, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 वर्ड के और 100 वर्ड के होते हैं सर, तो उस अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर लेना उस टॉपिक को और उसे कम से कम शब्दों में लिख लेना अपने कॉपी में, इसी तरह से सर पूरा मैनेज करते हैं। लाइब्रेरी में क्योंकि काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं याद रखना, yes, और स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में जहां आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक एग्जामिनेशन स्किल की बात होती है कि आप पढ़ाई तो कर लिए लेकिन स्किल यदि आपका सेट ठीक नहीं है, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो अपने अनुभव से बताइए कि वो प्रीलिम्स का क्या स्किल सेट है जो आरएस में जरूरी है। प्रीलिम्स में सर यहाँ पर जो आरपीएससी है उसमें फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो फैक्ट्स के लिए तो जो बुक्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स जो भी है उसका फंडामेंटल, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपको याद करने होंगे थोरोली, उसे अच्छे से लिख लीजिए या उसके ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए ताकि वो याद रहे, और डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए जो मैगजीन होती है उसमें से जो भी करंट इवेंट्स आपको ज़्यादा उसमें करंट में रहते हैं या फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसे आप लिख लीजिए, और फैक्ट्स के लिए तो है बार बार रिवीजन कीजिए, तो रिवीजन करेंगे तो फैक्ट्स याद रह जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। मेंस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, उसमें आपको राइटिंग स्किल भी डेवलप करनी है, तो उस राइटिंग स्किल को आपने कैसे डेवलप किया? टेस्ट सीरीज तो एक माध्यम है ही आपका, बहुत लोग करते हैं टेस्ट सीरीज लेकिन नहीं यूटिलाइज कर पाते, आपने कैसे किया इसको? सर टेस्ट सीरीज में मेनली मैंने लगभग 80 टेस्ट सीरीज लिखे सर, टेस्ट पेपर्स लिखे, और उस उन टेस्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उन्हें अलग से लिखा, अलग से लिखते हुए उसे जो भी ब्लैंक पेपर होते थे उन पर उनकी प्रैक्टिस की, और ये देखा कि वो टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 3 आर का है तो लगभग 2 आर एंड 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में उसमें जो भी अंडरलाइनिंग करना है या जो भी करना है तो उसके लिए टाइम मिल जाए, तो ये सब देखते हुए सर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज पर फोकस करता हूँ। मेंस में 4 पेपर हैं आपके जो कंप्लीट करना है, यस सर, चारों पेपर के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे हिस्ट्री है या कॉन्स्टिट्यूशन है, एथिक्स, इसके बारे में आपको थोड़ा बताएं कि कैसे तैयारी करी? सर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेपर तो उसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, और फोर्थ पेपर लैंग्वेज का है सर, हिंदी एंड इंग्लिश का, तो ये देखा गया है पिछले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी और रिजल्ट में भी, तो जो फोर्थ पेपर है वो स्कोरिंग होता है, तो उस पर हिंदी और इंग्लिश आती है उसमें, तो उसमें कंटिन्यू जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसे कंटिन्यू रखें,
उसके लिए 1 to 2 hours डेली बेसिस पे निकाले और मेंस के टाइम जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस के टाइम उसमें थोड़ा और एफर्ट आप दे सकते हैं। तो उसका पेपर आपका कहना है कि जो लैंग्वेज पेपर है yes, आपकी स्कोरिंग है तो उसको उसको विशेष ध्यान दें स्टूडेंट ठीक है। यस सर। और फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमी है एंड थर्ड जो यूनिट है उसमें फिर से 3 यूनिट है। तो जो 20 वर्ड्स के 15-20 वर्ड्स के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सर उस पर ज़्यादा फोकस हो क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जो 50 वर्ड के हैं उसके बाद 50 वर्ड पे ज़्यादा फोकस एंड उसके बाद 100 वर्ड्स पर क्योंकि 100 वर्ड्स में मार्क्स कम मिलते हैं और उनमें ज़्यादा होता है स्कोरिंग करने का चांस, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और ऐसा ही जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में एथिक्स है, साइंस है और एक पोर्शन ज्योग्राफी का है। तो ये सेकंड पेपर भी स्कोरिंग पेपर है, उसमें भी इस बार भी और लास्ट टाइम भी अच्छा स्कोर हुआ है। थर्ड पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का है और एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें जो थर्ड यूनिट है उसमें भी 3 सब यूनिट्स हैं, तो उनमें भी 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करने की, यदि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अशोक, आपने स्पेशली पेपर 4 की चर्चा की लैंग्वेज में कि बड़ा स्कोरिंग है, yes, sir. थोड़ा सा आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट्स को जो है ना थोड़ा उनको गाइड करिए कि कैसे इसको स्कोरिंग आप समझ रहे हैं और कैसे बना सकते हो, क्या क्या तैयारी इसमें करना जरूरी है और कैसे स्कोर, चूंकि लैंग्वेज पेपर में ये जो कहना कि स्कोरिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। यस सर, 4 पेपर में मेनली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। हिंदी में ग्रामर 50 मार्क्स का है और इंग्लिश में 20 मार्क्स का। तो ग्रामर पोर्शन ऐसा है जिसमें सर यदि स्कोर करते हैं तो उसमें फुल मार्क्स आने के चांस होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आता है उधर से, राइट? यस सर मैथमेटिक्स में जैसे फुल मार्क्स के चांस होते हैं ग्रामर में भी। और इसमें टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स हैं जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, संधि है, समास है, तो उनमें एक बार आपने कर लिया प्रिपेयर उसे तो उसके एक फॉर्मूला टाइप में होता है और वो लास्ट तक माइंड में सेट हो जाता है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और इसी तरह जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए ये किया जा सकता है, जो ऐसे है, ऐसे राइटिंग है या जो भी पल्लवन आता है हिंदी में तो उसके लिए कोटेशन याद कर सकते हैं, तो कोटेशन उसमें डालेंगे, कोटेशन डालने से एक अलग इम्पैक्ट होता है सर एग्जामिनर पर, उसमें मार्क्स इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और यही स्ट्रेटेजी इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसे है और थीम राइटिंग है तो उसमें यदि कोटेशन होते हैं जैसे महात्मा गांधी के हुए, विवेकानंद जी के हुए और कुछ हिंदी साहित्य के जो कवि हैं जैसे कबीरदास जी हैं तो उनके कोटेशन उसमें डालते हैं तो उसका जो हिंदी और इंग्लिश के जो चेक करने वाले हैं उन पर अलग प्रभाव पड़ता है। आप अशोक, पर्सनालिटी टेस्ट अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, 100 मार्क्स भी हैं, आपने 70 नंबर भी लिए हैं। आप पहले अपने अनुभव से बताइए कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है में एक्चुअली क्या देखना चाहता है बोर्ड जो है। सर एक्चुअली मॉक इंटरव्यू में जब देते थे मॉक इंटरव्यू तो वहां पर नॉलेज टेस्ट ज्यादा होता था सर, लेकिन जब वहाँ पर पर्सनल टेस्ट के लिए गए तो वहाँ पर मेनली उनका मोटिव होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कैंडिडेट का और उसके बाद जो उनके बैकग्राउंड है, जो अब तक लाइफ में इवेंट्स हुए हैं उसमें से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि इन्हें जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी कितनी नॉलेज है। जैसे सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि उन्होंने स्टार्ट में मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जो कि योग और हिंदी कविता, हिंदी पोइट्री, रीडिंग राइटिंग थी सर, तो उससे क्वेश्चन स्टार्ट किए। उसके बाद उन्होंने सर जो मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब किया
उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, और जो ग्रेजुएशन था और वर्क एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने ज्वाइन कंबाइन करने के साथ क्वेश्चन किए, और उसके बाद जो रिसेंट चेंज हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स में कि कोरोना काल में जो कंप्यूटर है और जो क्राइसिस है, जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद सर मेरा जो इंटरव्यू था वो मेनली जो करप्शन है, करप्शन को कैसे कम करेंगे, मतलब जो करंट इवेंट्स हैं जैसे यहाँ पर राजस्थान में और दूसरे स्टेट में भी ACB एंटी करप्शन ब्यूरो की जो भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मिक्स आपकी जो प्रोफाइल है वो प्लस करंट इवेंट्स, इनको जोड़ के वो लोग आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं आंसर्स का, वो सब सबको देखना चाहते हैं। आपने चाणक्य में भी मॉक इंटरव्यू भी क्या प्रैक्टिस किया, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चाणक्य का मॉक इंटरव्यू कैसे हेल्प किया आपको? किस सर चाणक्य में जो मॉक इंटरव्यू हुआ था उसमें बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने वही क्वेश्चन किए जो मुझे लास्ट में वहां पर मेरे सामने प्रस्तुत किए गए बोर्ड के द्वारा। जैसे चाणक्य में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए थे कि रिसेंट क्या क्या पॉलिसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, करंट इवेंट से जो भी क्वेश्चन किए तो करंट इवेंट्स के वहाँ पर हेल्पफुल था। मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी वहाँ पर बोर्ड मेंबर थे उन्होंने जो क्वेश्चन किए वो एज इट इज वहाँ पर पूछे गए, तो मुझे उससे काफी हेल्प मिला सर। आप ये कहना चाहते हैं कि जो चाणक्य के मॉक इंटरव्यू में पूछे गए उसका एक मेजर सेक्शन आपको RS के एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछा गया, राइट? यस सर। तो आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई दी हमारे जो चाणक्य के बोर्ड के अंदर उनके क्वेश्चंस में? बिल्कुल सर, क्योंकि जो चाणक्य का मॉक इंटरव्यू पैनल था उसमें जो मेंबर थे, जो चेयरपर्सन थे, ललित के पवार सर जो कि एक्स RPS उन्होंने बिल्कुल सेम वैसे ही इंटरव्यू लिया था जैसे बोर्ड में जो RPSC बोर्ड मेंबर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से था। क्योंकि जब मैंने वहां जाकर फील किया तो मुझे लगा नहीं वो बिल्कुल सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे चाणक्य में हम लोग नियरली 3 decades से ये सारी USP हमने डेवलप किया हुआ है कि कैसे आप अपना बना सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि जस्ट लाइक एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड, अब चाणक्य जो हमें कमीशन में देखने को मिलता है, दैट इज वेरी गुड, राइट? हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी कुमावत। आई एम सेलेक्टेड इन RS 2018 विद 727 रैंक। आई गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द होल चाणक्य टीम, स्पेशली मनीषा मैम एंड श्रद्धा मैम एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द होल जर्नी। आई एम ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ द चाणक्य फैमिली। थैंक यू। अशोक, ये एक सिविल सर्विसेज के बहुत लोग को आप देखते हैं कि हम भी एग्जाम दे दें, क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन जो है कोई बीच में रुक जाता है, कोई थोड़ा आगे चल के रुक जाता है, कोई समझ नहीं पाता है, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल टिप्स किसको कहते हैं कि जो 3 या 5 पॉइंट में आप कुछ देना चाहेंगे तो वो जरा बताइए आगे और फ्यूचर के एस्पिरेंट्स को। सर इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक गोल सेट करना होता है कि ठीक है मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। क्योंकि अब RS में देखते हैं तो एक लॉन्ग जर्नी है, 2018 की वैकेंसी है, जो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं उसके कारण ये आगे बढ़ जाती है, और 2021 में इसका रिजल्ट मिलता है। तो सर इतने ड्यूरेशन में आपको आपका जो गोल है, आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर है सर, वही आपको इस जर्नी में रख सकता है। और सर दूसरा है आप में पेशेंस, परसेवरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जब वैकेंसी आगे बढ़ती है, टाइम निकलता है, तो आप पर आउटसाइड से भी प्रेशर आने लगता है कि कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई और एग्जाम दीजिए, क्योंकि फैमिली हुआ और जो भी हुआ उनका अपना एक्सपेक्टेशन होता है कि करंट जो भी सिचुएशन है उसमें जॉब थोड़ी कम है, इसलिए आप पहले जॉब सिक्योर कीजिए। तो जब जो भी कैंडिडेट है वो दूसरी ओर जाता है तो उसकी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो वो ब्रेक ना हो और अपने आप पर विश्वास रखते हुए और इसी ओर सतत प्रयास करते रहें, सतत प्रयास से ही और आपको मंजिल मिल जाएगी। इससे संबंधित मैं एक कविता का पद कहना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह, बहुत 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 अच्छा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मंजिल का तो मजा आएगा ही, रात में जो रास्ते का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसको भी आनंद लेना जरूरी है, और पूरा रुकना नहीं है, चलते रहना है और उसी आप वहां पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात। तो इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे अशोक अपने लोग? सर, फ्यूचर जो भी एस्पिरेंट है, जो आरएएस और आईएएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी करें फुल डेडिकेशन के साथ करें, और जो फोकस है वो फुली फोकस अपना प्रिपरेशन पर रखें। जो भी सोशल मीडिया है या और भी कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, उसे दूर रहें और उसका एक सही इस्तेमाल करें, तो उसे लेते हुए आप जरूर मंजिल को प्राप्त कर सकते। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपकी जर्नी, अब आप कंसंट्रेट करके इस पे जॉब करने जा रहे हैं या अभी एग्जाम अभी और देना आपका बाकी है? सर, मेरा 10 अक्टूबर को यूपीएससी का अटेम्प्ट है, इसी की प्रिपरेशन ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अशोक, आपकी जर्नी में एक कंसिस्टेंसी देखता है, सारी चुनौतियां आपने फेस किया है और घर का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सफर भी आपका काफी अच्छा होगा, राइट? तो मेरी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं हैं और ये फिर से बेस्ट विशेज हैं, जैसे बाकी कैंडिडेट्स को जो आरएस के अभी टॉपर्स मिल रहे हैं सबको अभी ये कह रहे हैं कि आगे सफर में फिर भी आप सेलेक्ट होकर के अच्छे रैंक के साथ आईएएस बन के भी मिले, ये मेरी शुभकामना रहेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम में आए, अपनी बातें रखी, मुझे उम्मीद है कि आपके अपने अनुभव से जो शेयर किया, साझा किया, लोगों को काम आएगा। ठीक है, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.